19 तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को जरा ध्यान से पढ़ें। इसमें कहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ठीक है, गिवन सरफेस। देखो इस गिवन लिखा ना, सरफेस के आगे गिवन लिखा, इसका मतलब सरफेस एरिया उसका गिवन है। गिवन है यानी कॉन्स्टेंट, ठीक है। जिस चीज के आगे भी लिखा होगा ये गिवन है, तो वो चीज हमेशा क्या होगी, कॉन्स्टेंट। या गिवन लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो इट इज नॉन, वो चीज भी हमेशा कॉन्स्टेंट। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, तो एक सिलेंडर लिया हमने, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके ये जो नीचे है ना सर्कल, इस सर्कल की रेडियस अज्यूम कर ली हमने आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये हाइट हो गई हमारी एच, ठीक है। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसको बोल दिया हमने एस, कितना हो जाएगा, एक ये रहा पाई आर स्क्वेयर, ये पाई आर स्क्वेयर यानी टू पाई आर स्क्वेयर, दो तो सर्किल प्लस ये सरफेस से, तो वो कितना टू पाई आर इंटू में एच। फिर आगे कहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, ठीक है, कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब हाइट क्या हो डायमीटर के इक्वल हो, जो बेस का जो डायमीटर है उसके इक्वल हो। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम बी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू में एच। अब आप ध्यान से देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक आर और एक एच, और दोनों ही क्या है चेंज होंगे, तो वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए या तो पूरे को आर में करें या पूरे को एच में करें। तो देखिए वी इक्वल टू इसको कहा इक्वेशन वन, वन से एच की वैल्यू पुट कर देते, एस माइनस टू पाई आर स्क्वेयर डिवाइड में टू पाई आर, तो ये एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, वी क्या बना वी इक्वल टू इस आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एस इंटू आर माइनस में टू पाई आर, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में क्या है, अपॉन में आ गया, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई टू इंटू में एस आर फिर माइनस में पाई आर, ठीक है, ये बन जाएगा वॉल्यूम। अब देखो आप ध्यान से इस वी के अंदर, यानी अब जो फंक्शन बना है ना इसके अंदर ओनली एंड ओनली क्या है, आर है, पाई है और एस है, तीन चीजें हैं एस आर पाई। एस कॉन्स्टेंट क्वेश्चन में क्या है वो गिवन है, इसलिए टू टू भी कॉन्स्टेंट पाई भी कॉन्स्टेंट, यानी इसमें वेरिएबल कौन रहा आर का, एक ही वेरिएबल है। अब उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, देखिए डी वी अपॉन में डी आर, फिर वन बाय टू एस आर का हो गया आर के रिस्पेक्ट में वन, फिर माइनस पाई आर क्यूब का थ्री आर। अब करेंगे हम डी वी बाई डी आर को जीरो के इक्वल, क्योंकि अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे चले गए ना, तो एस अपॉन टू माइनस का पाई इंटू में थ्री आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, यहाँ से एस इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वेयर, यहाँ से आर की वैल्यू आई मेरे पास रूट में एस अपॉन में सिक्स पाई, ये वैल्यू आ गई आर। प्लस माइनस में दो वैल्यू आएगी लेकिन माइनस का तो कंसिडर ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है ना,
अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव डी टू वी अपॉन में डी आर स्क्वायर। तो ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाले एस बाई टू का तो हो गया जीरो माइनस में तीन पाई इंटू आर स्क्वायर का टू आर, ये आ गया माइनस का सिक्स पाई आर सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पे निकालते हैं, तो डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर तब जब आर की वैल्यू है रूट में एस अपॉन सिक्स पाई, देखो माइनस का सिक्स पाई इंटू में रूट में एस अपॉन में सिक्स पाई, ये जो वैल्यू आएगी पूरी ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के रूट में सिक्स पाई एस यानी नेगेटिव। और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वहां पर क्या होता है मैक्सिमा होता है। तो देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब एट आर इक्वल टू रूट में एस अपॉन सिक्स पाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये तो हमें पता लग गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा जब आर की ये वैल्यू होगी, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एच और आर में कोई रिलेशन। तो अब देखो नाउ इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है एस इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर प्लस में टू पाई आर इंटू में एच, और हमें पता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम आर की वैल्यू क्या होगी रूट में एस अपॉन में सिक्स पाई। तो एस क्या हो गया, एस हो गया सिक्स पाई आर स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन टू। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं एस की, पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन वन। अब कोई कहेगा कि सर इक्वेशन टू कि ये जो है यही वाली, सर इसमें आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा एस में आएगा, हमें रिजल्ट किस में चाहिए एच और आर में चाहिए। तो एस की जगह मैंने पुट कर दिया सिक्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टू पाई आर स्क्वायर प्लस में टू पाई आर इंटू में, ये टू पाई आर स्क्वायर आएगा तो फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टू पाई आर इंटू में एच, पाई से पाई कैंसिल, टू से ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया, आर से एक आर भी कैंसिल हो, तो यहाँ बचा टू इंटू आर इक्वल टू एच, तो टू आर तो हो गया डायमीटर हो गया बेस का, ये तो हो गया डायमीटर ऑफ बेस, बेस का डायमीटर। और इधर क्या होगी हाइट, इधर होगी हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलिए किसी कोई भी प्रॉब्लम हो। नहीं है किसी को कोई दिक्कत, अंकित और मनदीप तुम्हें कुछ भेजा है उसका जवाब दो पहले, अंकित
एंड मंदिर। अरे फीस तो जमा कराओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। अरे चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, सेम टू सेम यही है। 21 जो क्वेश्चन है, का ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कुलर, यानी यही सिलेंडर है, का गिवन वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम गिवन है, इस बार उल्टा है। अभी सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इस बार वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। का फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सर्फेस एरिया, यानी इस बार सर्फेस एरिया को मिनिमम कर, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम 22 पर। का ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इंटू टू पीसेस। जैसे एक ये वायर है, ठीक है, ये वायर, इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 28 मीटर। इसको जैसे यहां से कट कर दिया, इसको मैंने बोल दिया एक्स, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया, ये हो गया 28 माइनस है क्योंकि टोटल 28 का। इस एक्स से तो क्या बनाया, का ना वन ऑफ द पीस इज पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, इस एक से तो स्क्वायर बना दिया, और ये जो बचा 28 माइनस एक्स, इससे क्या बनाया, इससे एक सर्किल बना दिया। फिर कहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, दोनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। देखो क्वेश्चन में ये कहा कि एक ऐसे एक वायर है मेरे पास, ये इतनी बड़ी वायर, ठीक है, इसकी लंबाई लेंथ इसकी 28 है सेंटीमीटर या मीटर जो भी, का इसके दो पीस करो, इसके दो टुकड़े करे, और दो टुकड़े करके ऐसे किया कि एक टुकड़े से एक स्क्वायर बनाया और एक टुकड़े से एक सर्किल बनाया, का तो उन टुकड़ों की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये उन दोनों का एरिया, किसका एरिया, सर्किल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, दोनों के एरिया का सम क्या हो, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछा, मैक्सिमम पूछा था एरिया, मिनिमम पूछा था। देखो मैंने ये ज़ूम कर लिया कि इस x से क्या बन रहा है, स्क्वायर, कि लेट x सेंटीमीटर मेक ए स्क्वायर, ठीक है, तो फिर ये जो x है ना, इससे ऐसे एक स्क्वायर बन गया, तो इस, अगर मैं इसको कहूं, या इसको देखो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई फोर, ये एक्स वाई फोर, ये एक्स वाई फोर और ये एक्स वाई फोर, तभी तो होगा, क्योंकि तो टोटल कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, या चलो ऐसे कर देते हैं,
देखो एक्स एंटीटी मेक स्क्वायर एंड 28 माइनस एक्स मेक सर्कल। अब ऐसे देखो एक तो ये स्क्वायर बना है, और एक ये सर्कल बना, सर्कल की रेडियस आर बोल दी मैंने, और इसकी जो ये लेंथ है ये वाली, ये इतनी, एक्स तो हम ले चुके, इसको बोल दिया मैंने वाई, ये वाई है, ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई। तो अब आप ध्यान से देखो फोर वाई किसके इक्वल होगा, फोर वाई एक्स के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है एक्स है ना, एक्स ही तो बनाया है स्क्वायर, तो फोर वाई इक्वल टू एक्स। सेम ऐसे ही इसकी सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, टू पाई आर, तो टू पाई आर किसके इक्वल होगा, 28 माइनस एक्स के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई ना सभी, मैंने कहा ये एक इतनी, ये एक इससे एक स्क्वायर बनाओ, ये स्क्वायर बना दिया मैंने ऐसे, तो इस सर्किल का, इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो इस लेंथ के इक्वल ही तो होगा टोटल, समझ में आ गया ना। अब लिखते हैं इनका एरिया, टोटल एरिया ए इक्वल टू, इसका तो हो गया वाई का स्क्वायर, ये एक साइड वाई है, और इसका क्या हो गया, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है एक्स बाय फोर, एक्स बाय फोर का होल स्क्वायर, फिर प्लस में पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 28 माइनस एक्स अपॉन में टू पाई, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, फिर प्लस में 1/4 पाई इनटू में 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास एरिया ए, दोनों का कंबाइंड एरिया। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, वो कौन है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करते हैं। देखिए यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ए बाय डी एक्स 2x, x square का 2x upon 16 plus में 1 upon 4 pi, पहले power का होगा तो 2 into 28 minus x, फिर अंदर 28 minus x का तो वो minus, और simplify किया यहाँ पे dA by dx equal to x upon में 8, फिर minus में 1 upon में 2 pi into में 28 minus, ये आ गया मेरे पास first derivative। अब इसको जीरो करते हैं, डी ए बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स बाय एट इक्वल टू वन अपॉन टू पाई इंटू में 28 माइनस, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसने इसको फोर टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो देखो पाई एक्स इक्वल टू 112 माइनस 4, 28 इंटू 4 112 ही होगा ना, 32, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 112 अपॉन में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर या मीटर जो, ये आ गया मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं डी टू ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो डबल डेरिवेटिव में देखो x बाय 8 का तो हो गया 1/8, फिर माइनस वन अपॉन टू पाई, 28 माइनस एक्स का माइनस वन तो प्लस हो। अब डबल डेरिवेटिव इस स्टेशनरी पॉइंट पे निकालें कि एक्स इक्वल टू 112 अपॉन में पाई प्लस चार, ये हो गया 1/8 प्लस 1 अपॉन टू पाई, और ये वैल्यू जो है जो जीरो से बड़ी है, इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 112 अपॉन में पाई प्लस 4 वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या था एरिया, और एरिया भी कौन सा टोटल एरिया, टोटल एरिया इज मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या था, हमें था कि दोनों की लेंथ निकालो, तो एक्स की वैल्यू तो मिल गई, यानी
एक तो टुकड़े की लेंथ मिल गई, तो लेंथ ऑफ पीसेस, लेंथ ऑफ पीसेस आर एक्स एंड 28 माइनस एक्स, ये सो एक्स तो कितना है, एक्स तो हो गया 112 अपॉन में 5 प्लस 4, ये तो हो गया एक्स एक टुकड़े की लेंथ। अब दूसरे टुकड़े की लेंथ क्या करें, इसको 28 में से माइनस करें, तो 28 माइनस एक्स इक्वल टू 28 माइनस 112 अपॉन में 5 प्लस 4, 28 इंटू 4 112 प्लस में 28 इंटू 5 माइनस 112 अपॉन में 5 प्लस 4, तो यहां तो ये 112 से 112 कैंसिल हो जाएंगे, ये बन गया 28 पाई अपॉन में 5 प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेंथ बन गई, लेंथ आर 112 अपॉन में 5 प्लस 4 एंड 28 पाई अपॉन में 5 प्लस 4 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, किसी को कोई डाउट है इसमें बोलिए। समझ में आ गया भी सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो सभी, इसको इसका स्क्रीनशॉट लो सब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जितने भी क्लास में तुम्हारी सबकी फीस जमा है, अंशिका, अंशु, भाविंदर, भावना, दीपांशी, दीपांशु, जतिन, कीर्ति, नैन्सी, निखिल, प्रियंका, रवि, शिखा, अब देखो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो
क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23, 21, 22 तो अभी किया ही हमने, 23 है। देखो इसमें का प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, क्वेश्चन नंबर 23।